बातें कही, बहुत सारी बातें कही जाएंगी, बहुत सारी बातें आप कहेंगी 15 महीने में ये नहीं हुआ। मैं महाराजा नहीं हूं, समझ गए ना, मैं मामा नहीं हूं, मैंने चाय नहीं बेची, मैं कमलनाथ हूं। और कल कहते हैं मैं टाइगर हूं, मैं टाइगर हूं ना पेपर टाइगर हूं, जनता तय करेगी कौन टाइगर है कौन पेपर टाइगर है। सुन रहा हूं 90 दिन से मैं सुन रहा हूं, पर मैंने एक दिन भी मुंह नहीं खोला। क्यों? क्योंकि जब देश, जब हमारा प्रदेश कोरोना का सामना कर रहा है, मेरा मुख्यमंत्री एक एक दिन 20 घंटे काम करके प्रदेश की सेवा कर रहा है, मेरा प्रदेश अध्यक्ष संगठन को लेकर एक एक घर तक राशन पहुंचा रहा है, इन कांग्रेसियों को कुछ करना नहीं, केवल अपना सत्ता कहां से खिसक गया उसी की लाज के पीछे ये पड़े हुए हैं 90 दिन से। बीडी शर्मा जी आप और शिवराज सिंह जी इनको बाहर से जानते हैं, मैं इनको अंदर से जानता हूं। 90 दिन मैंने मुंह नहीं खोला, 60 दिन प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित लॉकडाउन, और प्रधानमंत्री ने आदेश किया कि सब लोग भारत की सेवा में लगो। उदाहरण मेरा अध्यक्ष, उदाहरण मेरा मुख्यमंत्री, जो रात नहीं देखता, दिन नहीं देखता, 7.5 करोड़ जनता की बोझ अपने कंधों पर लेकर दोनों निकल चुके सड़क पर, और वहां एक के बाद एक तीर लगाया जा रहा है राजनीतिक। क्या क्या नहीं कहा इन दोनों जोड़ियों ने साथ में मिलकर, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। जो कड़वापन महसूस हो रहा है कि कुर्सी कैसे चली गई, इनको चिंता मध्य प्रदेश की नहीं, बीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह जी, इनको चिंता मध्य प्रदेश की नहीं, इनको चिंता 7.5 करोड़ की नहीं, इनको चिंता केवल अपना व्यापार। और 90 दिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये घर से निकले सेवा के लिए? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे था, कोई राशन दिलवा रहा है, कोई प्रवासी मजदूरों का देखभाल कर रहा है, ऊपर से नीचे प्रधानमंत्री, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृहमंत्री, मेरा मुख्यमंत्री, मेरा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दिन रात एक कर रहा है सेवा में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सिंधिया फाउंडेशन के मेरे कार्यकर्ताओं को भी, मेरे अनुपस्थिति में, क्योंकि लॉकडाउन था, एक एक गांव में, एक एक शहर में राशन बंटवाने का काम किया। मैं दिल्ली में लॉकडाउन में कैद था, लेकिन 460 लोगों को देश के अनेक प्रदेशों में, जहां अटके हुए थे, विदेश अटके हुए थे, उनको घर वापस लाने का काम किया। आज मेरे कांग्रेस के उस समय के साथियों ने क्या किया? यह है जनसेवा। अरे जब महामारी में सेवा नहीं कर सकते तो क्या कुर्सी पे बैठ के सेवा करेंगे? ये मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। मैं कोरोना से ग्रस्त हो गया, अब 2 टाइगर हो गए तो 2 नहीं होंगे 11 हो जाएंगे। मैं कोरोना से ग्रस्त हुआ, लेकिन उस समय भी अस्पताल में मैं 9 दिन रहा, लेकिन उस समय भी कोई विषय आया तो मैं बीडी शर्मा जी, शिवराज सिंह जी और मेरे भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के साथ मैं संपर्क में था। यह सेवा भाव कोई खरीदा नहीं जा सकता, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये या तो आपके दिल में है या नहीं है, ये दिखावे का खेल नहीं होता, ये अंतरात्मा का खेल होता है, ये भाषण देने से नहीं होता, ये जमीन पर काम करने से होता है, ये उरण खटोले के रोटर ब्लेड के धूल से नहीं होता, ये धूल खाने से होता है। और इनके कार्यकाल के बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग और प्रदेश की जनता इनसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वहां तो सरकार ऐसी चल रही थी कि कुर्सी पे किसी को बिठा दिया,
और चाबी किसी के हाथ में। सही है कि नहीं बोलो? शिवराज सिंह जी सही है कि नहीं? बीडी शर्मा जी सही है कि नहीं? आगे कोई और पीछे कोई, और काम केवल एक। सुन लो भैया, धंधा ही धंधा। 90 दिन हो चुके हैं, संग्राम का समय आ रहा है, और यह मैं ऐलान करना चाहता हूं आपको,